दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 2 Pro के बारे में, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ है। और इस फ़ोन को आप बिल्कुल कह सकते हैं Realme 1 का असली अपग्रेड। और अगर आप 15,000 रुपये तक की रेंज का एक बढ़िया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और आप काफ़ी कन्फ्यूजन हैं कि कौन सा फ़ोन लें, तो इस वीडियो के एंड तक आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। और हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आप अपना डिसीजन बदल लें। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस फ़ोन के 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। जो बेस वेरिएंट है वो आता है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और उसका प्राइस रखा गया है 13,990 रुपीज़। और जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो आता है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और उसका प्राइस रखा गया है 15,990 रुपीज़। और जो लास्ट वेरिएंट है वो आता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और उसका प्राइस रखा गया है 17,990 रुपीज़। तो गाइस 18,000 में 8GB रैम देकर के Realme ने अब एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। और जो रैम टाइप यूज़ करी गई है इस फ़ोन में वो है LPDDR4X, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब क्योंकि इस फ़ोन में आपको मिल जाता है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन भी, तो स्टोरेज की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप डुअल सिम के साथ साथ मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे, और डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट के साथ में ये फ़ोन आता है। उधर काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कौन से वाला वेरिएंट उनके लिए बेस्ट है। तो यार मेरे हिसाब से जो 4GB वाला बेस वेरिएंट है वो मोर वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और अगर अब हम बात करें इस फ़ोन के लुक एंड डिज़ाइन की, तो ड्यू ड्रॉप टाइप के डिज़ाइन के साथ में ये फ़ोन आता है, जिसमें पॉलीकार्बोनेट वाला मटेरियल यूज़ किया गया है। और फ्रंट साइड में आपको मिल जाती है 6.3 इंचेस की LTPS IPS LCD स्क्रीन, जो कि फुल HD प्लस है, और वाटर ड्रॉप नोच के साथ में आती है। और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी आपको इस फ़ोन में मिल जाती है। अब दोस्तों इससे पहले हम बात करें इस फ़ोन के कैमरा की, उससे पहले आप फटाफट से एक बार इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो। पीछे की तरफ आपको इस फोन में मिल जाता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, जो कि आता है 16+2 मेगापिक्सल के कॉम्बिनेशन में। और जो प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल वाला, उसकी अपर्चर वैल्यू है f1.7। और इस प्राइमरी कैमरा में यूज़ किया गया है सोनी का IMX398 वाला सेंसर, और सेम यही सेंसर यूज़ किया गया है OnePlus 5T में भी। और जो डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, उसकी अपर्चर वैल्यू है f2.4। और गाइस 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें दिया गया है, जिसकी अपर्चर वैल्यू है f2.0। और LED नोटिफिकेशन लाइट इस फ़ोन में नहीं दी गई है। अब बात करें अगर इस फ़ोन की बैटरी की, तो 3500mAh की बैटरी इस फ़ोन में दी गई है। और नॉर्मल 5V 2A का चार्जर इस फ़ोन के साथ में मिलता है, और क्विक चार्ज भी ये फ़ोन सपोर्ट नहीं करता। और microUSB पोर्ट इसमें दिया गया है। और दोस्तों बात करें अगर इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इस फ़ोन में आपको मिल जाता है Qualcomm का Snapdragon 660 SoC, जो कि एक बढ़िया प्रोसेसर है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परफॉर्मेंस की तरफ से दिक्कत आने वाली है। और एंड्रॉयड का 8.1.0 वर्जन आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, जिसमें लेयरिंग की गई है ColorOS 5.2 की। और कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में आपको एंड्रॉयड पाई भी मिल जाएगा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ AI फेस अनलॉक वाला ऑप्शन भी आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। तो भाई ये था कंप्लीट पैकेज इस फ़ोन का। अभी अगर ओवरऑल देखा जाए, तो बेशक से इसमें USB टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता, क्विक चार्ज सपोर्ट नहीं मिलता, और वाइड वाइन L3 दिया गया है, बट यह फिर भी परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन बढ़िया है, देखने में प्रीमियम लगता है, वाटर ड्रॉप नोच भी मिल जाती है आपको इस फ़ोन के अंदर, और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो ओवरऑल इस प्राइस में ये फ़ोन बेस्ट है, आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। 11 अक्टूबर से ये फ़ोन फ्लिपकार्ट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी सजेशन हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।